प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम, आप सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बार फिर से आज की बेसिक टीचिंग में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि इन दिनों में आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, खुदा में ग्रो कर रहे हैं, आप परमेश्वर को जान रहे हैं, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। नो गॉड इज एटर्नल लाइफ, खुदा को जानना ही अवधि जिंदगी है। और आज एक बार फिर से मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग वर्ड ऑफ गॉड की तरफ ले जाना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं माई सर्मन इज अमेजिंग, जी नहीं, अवर गॉड इज अमेजिंग, हिज वर्ड इज अमेजिंग। वो महान है, उसका वचन महान है। और आज का वचन विशेष उन लोगों के लिए है जो सोच रहे हैं कि ब्रदर बहुत समय बर्बाद हो चुका है, अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। आप जानते होंगे हम में से यहां पर बहुत से लोग बैठे हो सकते हैं यहां पर, आई होप ऐसा ना होता, लेकिन ये सच है, कैसा हो सकता है। हमें से ऐसे बहुत से लोग यहां पर हो सकते हैं जिन्होंने अपना समय गॉसिप्स में, फोन को अधिक यूज करने में, दूसरों की जिंदगी को सारा दिन ऑब्जर्व करने में, चर्च जाकर भी एक भटकी हुई जिंदगी की तरफ बिता दिया है। बहुत सारे भाई हैं, जो बहुत सारे बहनें हैं आज जो मसीह में हैं, पर उनका कोई लक्ष्य नहीं है, उनका कोई एम नहीं। उनका एम है सिर्फ संडे को चर्च जाना और हर दिन थोड़ी सी बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, और यह भी कभी कभी मिस हो जाता। आप सच में अगर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा आज इस वर्ड को लास्ट तक सुने प्लीज, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं जो इफिसियों के 6 अध्याय में है, और ये वचन 10 है। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। पौलुस यहां पर इफिसियों की कलीसिया को ग्रो करने के लिए कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके बाद पौलुस उन्हें दुष्ट आत्माओं के बारे में बताता है कि तुम्हारी जो लड़ाई है वो मनुष्यों से नहीं है, लोगों से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई शैतान से है। उसके बाद वो उन्हें हथियार पहनने के लिए कहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ पिकनिक, इट्स अ बैटल। मैं फिर से दोहराता हूं हिंदी में, मसीह जीवन एक पिकनिक की तरह नहीं है जहां पर आप घूमने फिरने और नजारे देखने के लिए आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप एक मसीह बनेंगे, When you become a Christian, जब आप प्रभु यीशु को स्वीकारते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान का साथ छोड़ने के बाद शैतान आपके पक्ष में नहीं खड़ा होगा, वो आपका दुश्मन बनेगा। वो हर तरह का प्रयास करेगा कि वो आपको लेजी कर दे, वो आपको चर्च जाने से रोके, वो आपका ध्यान मोबाइल में कहीं और लगा दे। अब वो जानता है कि आपने यीशु को स्वीकारा है, अब आप उद्धार के रास्ते पर चल रहे हो, आप नजात की तरफ बढ़ रहे हो। अब वो जानता है कि कैसे न कैसे मुझे इसको खींचना है, मुझे इसको वापस की पुरानी जिंदगी में ले आना है, ताकि ये एक ऐसी जगह पे आ जाए जहां पर ये यीशु का इनकार तक कर दे और अपने उद्धार को खोले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं ये मानता हूं कि परमेश्वर ने हमें जो उद्धार दिया है वो हम नहीं खो सकते, लेकिन हम चाहें तो उसे ठुकरा सकते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को सुनने के बाद भी ठुकरा दिया है, उन्होंने अपने उद्धार को रिजेक्ट किया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज के वचन को बड़े ध्यान से सुने, ये आपको एक नई शुरुआत दे सकता है, ये आपको एक न्यू बिगिनिंग दे सकता है। सुनिए, अगर आपको लगता है कि आपने अपनी मसीह जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, गुनाह किए हैं, समय बर्बाद किया है, आपने चर्च जाके भी कुछ लर्न नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप वहां जाते हैं और यहां वहां की चीजें देख के चले आते हैं, या आप अपनी कलीसिया को बहुत ठंडा पाते हैं, ऐसा ट्रेडिशनल चर्च जिसमें सिर्फ परंपराएं हैं पर प्रभु का वचन नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं आज एक नई शुरुआत करिए। और मैं आपको कुछ आदतें बताता हूं, याद रखिए, आदतें भविष्यवाणियां करती हैं, हैबिट्स प्रोफेसी करती हैं। आप रोज खाएं और सो जाएं, नो एक्सरसाइज,
आपका वेट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करते हैं, वही खाना जो है वो जूसेस में कन्वर्ट होता है, पिघलता है और वो मसल्स में जाता है, आपको ताकत देता है, वो ब्लड में कन्वर्ट होता है। ये बहुत जरूरी है कि हमारी आदतें ठीक हो। मैं आपको सबसे पहली आदत जो आपको डालने के लिए कहूंगा वो ये है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हर दिन अपना समय निकाल के प्रभु का वचन पढ़ना है। न व्हाट्सएप के स्टेटस में डालने के लिए, न किसी और को भेजने के लिए, न प्रचार करने के लिए, सबसे पहले खुद इस रोटी को खाइए। अपने मोबाइल को साइड रखिए, अपने परिवार को अपने रूम से थोड़ा बाहर रखिए एक घंटे के लिए। अगर आपके घर में कोई पैट है, कोई जानवर, आप पालतू जानवर पालते हैं, उसे भी अपने साथ उस समय मत रखिए, दूर करिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके आपके दिमाग को डाइवर्ट कर देती हैं। आप वचन पढ़कर भी कुछ नहीं समझ पाते, क्यों? क्योंकि सिर्फ आप फिजिकली यहां हो, मेंटली कहीं आप और हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो। सबसे पहले हर दिन वचन को अपने लिए पढ़िए, और जो कुछ आप इसे, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं और उसमें से जो कुछ सीख रहे हैं वो लिखिए। ये आपकी पहली आदत होनी चाहिए। दूसरा, वचन पढ़ने से पहले या बाद में प्रार्थना करिए, यू शुड प्रे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको किसी की प्रार्थना को नकल करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी ट्रेडिशनल प्रार्थनाएं करने की जरूरत नहीं है, या आपको, आप देख रहे हो ये बंदा ऐसे प्रार्थना करता है, ठीक है हम स्टार्टिंग में थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना अपने आप को प्रभु के सामने उंडेलना है। आप जानते हैं हम समय समय पर डिप्रेस फील करते हैं, इनकरेज फील करते हैं, अपने आप को खोया हुआ फील करते हैं, लॉस्ट फील करते हैं। प्रार्थना अपनी फीलिंग्स को खुदा के सामने ले आना है। अगर आप डिस्करेज हो, आप देख रहे हो कि मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही, खुदा को बताइए, खाली हो जाइए। अगर आप उत्साहित हो, आप खुश हो, प्रभु की स्तुति करके उसको धन्यवाद दीजिए। अगर आप देख रहे हो कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, यह भी खुदा को बताओ, हर चीज परमेश्वर को बताइए। प्रार्थना, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रार्थना जो है वो अपने आप को उंडेलना है। कई लोग कहते हैं, ब्रदर मुझे प्रार्थना करना नहीं आती। जी, आपको प्रार्थना करने नहीं आती कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मैं आपको बताता हूं, प्रार्थना किसी को भी नहीं आती, प्रार्थना सिर्फ पवित्र आत्मा करवाता है, और जो आपके दिल में है इसे परमेश्वर के लिए बताइए। तीसरी चीज, लर्न टू वर्शिप। हर वो गीत मत गाइए जो लोग गाते हैं, उन गीतों को गाइए जो गीत सुनते ही आपको फील होता है कि खुदा ने आपको क्या किया। मुझे एक गीत बहुत पसंद है जिसका नाम है, ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है, वो अच्छा है, इज अ गुड गॉड। जब मैं इस गीत को गाता हूं, ओ मैं आपको बता नहीं सकता हूं, मेरा माइंड मेरे हाथ में आ जाता है, मेरा हार्ट मेरे हाथ में आ जाता है, मैं उसके उपकारों को याद कर करके उसकी महिमा करना शुरू करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं ये गीत नहीं है, ये वो काम है जो खुदा ने मेरे साथ किया था। मैं भटका हुआ था, मैं अंधकार में था, मैं अंधेरे में था, और जीसस आया, यीशु आए और मुझे ले गए। लर्न टू वर्शिप। और चौथी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, हर हफ्ते कम से कम एक दिन या दो दिन उपवास करिए। आज बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ पता है क्यों खराब है? क्योंकि फास्टिंग कल्चर नहीं है। हर दिन वे अधिक से अधिक खाते जा रहे हैं। आपको पता है इन दिनों में खाने का क्रेज कितना बढ़ चुका है? आप बाहर जाके देखिए, आपको कदम कदम पे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, ठेले मिलेंगे, घर तक चीजें आ जाती हैं, ऑनलाइन चीजें आ जाती हैं। लोग सुबह से लेकर रात तक उनका दिमाग इसी बात में चल रहा है। पर हम क्रिश्चियंस का बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जानना है कि हमें कुछ समय उपवास करना है, खाने को छोड़ना है, और खाना छोड़कर परमेश्वर को ढूंढना है ताकि हम उसके करीब जा सकें। प्रे, फास्ट, वर्शिप। मेरे भाइयों बहनों, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, उपवास करिए, उसकी आराधना कीजिए। और भी बहुत सारे रास्ते हैं प्रभु में बढ़ने के लिए, लेकिन ये फोर बेसिक हैं जो एक पांचवे के साथ मैं कंप्लीट करूंगा। लोगों के साथ संगति करिए, लर्न टू फेलोशिप विद अदर्स। ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ खुद ही बढ़ूंगा, ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ खुद ही बढ़ सकता हूं। जी नहीं, हमें संगति की जरूरत है।
आपको और मुझे एलिशा की जरूरत है, हमें अहलिया की जरूरत है, हमें, आपने देखा मूसा के नीचे यहोशू था, एलिशा एहलिया के नीचे था। इवन आप पढ़ के देखिए, बाइबल बताती है चेले यीशु के अधीनता में थे। इवन सुसमाचारों में पॉल भी बताता है कि कौन से लोग उसके साथ काम कर रहे हैं। हमेशा किसी के साथ संगति करिए ताकि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। आजकल बहुत सारे लोग किसी के साथ संगति नहीं करते। इवन मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, एवरी थर्सडे हम फास्टिंग और प्रेयर करते हैं, जूम मीटिंग्स लेते हैं। एक्चुअली जूम मीटिंग हर दिन होती है। अगर आपको लिंक चाहिए कहां से मिल सकती है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। लेकिन हम हर थर्सडे फास्टिंग करके जूम मीटिंग्स में मिलते हैं। आप भी आ सकते हैं, आपको संगति मिलेगी। मैं आपको हजारों गवाहियां बता सकता हूं, लोगों ने मीटिंग्स में आने के बाद सुसाइड करना कैंसिल किया कि नहीं हम नहीं मरेंगे अब। लोगों ने नशे छोड़ दिए, लोगों ने पता नहीं क्या क्या छोड़ दिया। क्यों? कि उन्हें संगति मिली। कुछ खड्डे ऐसे होते हैं जिसमें से हम चाह के भी नहीं निकल पाते, हमें किसी के हाथ की जरूरत होती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, संगति में आइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, ये पांच रास्ते हैं, प्रेयर, वर्ड, वर्शिप, फास्टिंग, फेलोशिप। इन पांचों चीजों को अपनी जिंदगी की आदत बनाइए और आपको खुदा में बढ़ने के लिए कोई भी नहीं रोक पाएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप इन चीजों को करेंगे, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपका उपयोग करेगा। आपके अंदर से पवित्र आत्मा लोगों तक जाएगा, आपके द्वारा लोगों तक प्रभु का वचन जाएगा, आपके द्वारा लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। परमेश्वर ने मूसा से कहा, नीचे मैं आया हूं ताकि तुझे भेजूं फिरौन से बात करने के लिए। परमेश्वर को एक बॉडी की जरूरत है काम करने के लिए, और वो बॉडी आप हो सकते हैं। आप वो पात्र हो सकते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर अपनी आत्मा को लोगों पे उंडेलूंगा। आप में से जितने भी लोग मुझे दिल्ली से देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, आप में से कोई मुझे एमपी से देख रहा है, आप में से कोई मुझे झारखंड से देख रहा है, गुजरात से देख रहा है, आप मुझे भारत के किसी भी कोने से देख रहे हो, दुनिया के किसी भी कोने में से क्यों नहीं देख रहे हो। मैं बहुत सारे शहरों के नाम नहीं ले रहा हूं, इसके लिए गलत मत समझिएगा कि आप मुझे याद नहीं है, हर कोई याद है। मैं हर एक के लिए दुआ करता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपके शहर को आपके द्वारा बदलेगा। लेकिन इन चीजों का पालन करिए, पहले खुद बढ़िए। आप जब बढ़ेंगे, आपके साथ रहने वाले भी आपके साथ बढ़ेंगे। मैंने हमेशा की तरह एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल का नाम है, मुझे प्रभु में बढ़ना है, आई वॉन्ट टू ग्रो इन द लॉर्ड। जिस किसी को भी आर्टिकल चाहिए, इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आपको इस पर अपना नाम, आप कहां से हैं लिखना है, और नीचे लिखना है मुझे प्रभु में बढ़ना है, और हम आपको वो आर्टिकल भेज देंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। खुदा आपको बरकत दे। आप सबको जय मसीह की।